भगवान की जय जय जय। देवाद्रि श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी स्वातनंद जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मनीषी शीतल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मनीषी ज्ञान भूषण जी महाराज की जय। एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबीत सागर की तलटी में स्थित समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाला, मनोरंजन के लिए नहीं मन मंथन के लिए नवनिर्मित गुणायतन से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप मंच पर विराजित समस्त संतों की स्त्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से संत पर मंच पर विराजमान सभी संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए हम और आप निवेदन करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आइए मंच पर राजवन मुनिश्री के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व हम उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करेंगे जो आज गुणायतन से जीर्ण का जन्य स्वभाग प्राप्त किया। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर स्वभाग प्राप्त किया है, कुमारी अर्पिता जी, श्रीमती निर्मला जी, राजेश कुमार जी ने कोटा उपस्थित तो अपने स्थान में खड़े के गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी चित्तौड़गढ़, श्रीमान प्रमोद पार्श्वनाथ भालवनकर अहमदनगर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जो मलेशिया में निवास करते हैं और जिन्होंने देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में अपना जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया है और परम पूज गुरुवर के आशीर्वाद से वहां पर एक प्रतिमा विराजमान होने वाली है जिसकी प्रतिष्ठा भी कुछ महीने पहले यहाँ पर गुणायतन में संपन्न हुई है। ऐसे हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान, और मैं ये कहना चाहूंगा वहां पर जो वेदी प्रतिष्ठा और श्री जी विराजमान करने का कार्यक्रम संपन्न होना है हमारे आदरणीय विदेश निवासी श्रीमान विजय भैया लखनऊ भवन के सानिध्य में गुरुवार के आशीर्वाद से वहां पर वेदी प्रतिष्ठा और श्री जी विराजमान करने का कार्यक्रम संपन्न होना है। आज हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अनुपम जी मलेशिया हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा सम्मान सहित मंच पर आवे, गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी और गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर। ये आएंगे हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी अनुपम जी मलेशिया जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जिन्होंने। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा जिनके विधानाचार्यत्व में मलेशिया में वेदी प्रतिष्ठा श्री जी विराजमान करने का कार्यक्रम संपन्न होना है हमारे लखनऊ धौन निवासी भैया विजय जी, उनको सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए मंच पर विराजित सभी संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए श्री परचा के आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए, हाँ जी इंटरनेशनल भैया जी कितने लगभग अभी मुझे जानकारी मिली थोड़ी देर पहले
हमारे विजय भैया 10 देशों में जाके धर्म प्रवाहना का कार्यक्रम शायद संपर्क करके आए, एक बार जोरदार जोरदार तालियों का सम्मान करें। आइए साहब, और आदरणीय विजय भैया जी के सम्मान के लिए मैं गंज औषध निवासी डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा और श्रीमान देव कुमार जी शास्त्री परिवार, इन दोनों को आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे हमारे आदरणीय विजय भैया लखना दौन जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करें। आइए, श्री फल्याना। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस श्रावक परिवार को जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और जिन्होंने आज सेवायतन जो चिकित्सा केंद्र संचालित है वहां पर 5 व्हील चेयर प्रदान किए हैं, श्रीमान रूपाली आशीष जी जैन पुणे, अगर उपस्थित हैं तो मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे आए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें जी। गुणायतन संरक्षक श्रीमान श्रीमती रूपाली जी आशीष जैन पुणे आएंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे, और जिन्होंने सेवायतन में जो संचालित चिकित्सा केंद्र उसके लिए 5 व्हील चेयर देने का स्वभाव प्राप्त किया है, ऐसे स्तुति श्रावक के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पुनः एक बार श्रीमान सुभाष जी, और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पदम जी पाटनी, ये भी आ जावे हमारे सम्माननीय आशीष जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए। नीचे ही सम्मान कर दें, आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ऊपर आ सकते तो आ जाइए, ऊपर आ सकते, वहीं से सम्मान कर दें, कैमरामैन कवर कर लें। और आइए इसी क्रम में आज इस मंच में, और आइए मैं सम्मान सहित गुरुवर के श्री चरण नमन करते हुए कहना चाहूंगा, आज हमारे बीच मुनिश्री आर नंदी जी की परंपरा के मुनिश्री स्वात नंदी महाराज, जिनका कल ही शिखर जी में प्रवेश हुआ है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए यही भावना बहाता हूं कि हम भी उन जैसे बन जाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा आज उन सुधी श्रावकों को मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने महाराष्ट्र से शिखर जी की संपूर्ण यात्रा मुनिश्री ने पैदल विहार करके की, तो उनके साथ जो श्रावक थे उन्होंने भी संपूर्ण यात्रा पैदल विहार करके यहां तक आए हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान सतीश जी सोनटक्के भुषावल, श्रीमान रत्नाकर जी जलगांव, वसंत जी चतुर भुषावल और धर्मनाथ जी वरुणगांव महाराष्ट्र, ये चारों आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सिद्धार्थ जी, श्रीमान सुभाष जी और श्रीमान पाटनी जी, ये सभी आ जाएंगे हमारे पद विहारी, इन सभी श्रावकों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और इनके भावों के अनुमोदन के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों का सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, और प्रथम प्रश्न लेकर आ रहे हैं दैनिक भास्कर समूह के पत्रकार श्रीमान राजीव जी पांडे और क्षमा करना रितेश जी अशोक जी, सम्मान से आमंत्रित करूंगा प्रथम प्रश्न के लिए। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती प्रियंका अतीत जैन डीमापुर। मुनि श्री जी को सादर चरण स्पर्श। आज अपने देश के परिवारों की विषम स्थिति है महाराज जी, परिवार के एक सदस्य दूसरे सदस्य को देखकर अब नहीं हंसते मुस्कुराते, और तो और देवर और भौजाई भी एक दूसरे को देखकर अब हंसना मुस्कुराना बंद कर दिए हैं। बड़ा गंभीर स्थिति के दौर से भारत के परिवार गुजर रहे हैं, इस पर आपका विचार सुनना चाह रहे हैं महाराज जी। ऐसा है अशोक जी, अभी तो केवल एक दूसरे को देख के मुस्कुरा नहीं रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में देवर और भौजा ही नहीं दिखाएंगे, ये रिश्ता ही खत्म हो रहा है, हमारी संख्याएं समाप्त होते जा रही है, अब एक संतान या ज़्यादा से ज़्यादा दो संतान। ये जो कंसेप्ट है इसने हमारी जो सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि का ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया। ये सब चीज़ें जो आपने आज कही बहुत गंभीर है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला देश रहा है,
हमारे देश में परस्परता, प्रेम, आत्मीयता, बंधुत्व जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को सर्वाधिक प्रतिष्ठा दी गई। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर विकसित हुआ, तब से हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वो बुरी तरह प्रभावित हुई। हमारा देश, हमारी संस्कृति विश्व को एक परिवार की तरह देखने की संस्कृति रही है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने विश्व को एक बाजार बना दिया। जब व्यक्ति परिवार को भी बाजार की तरह देखने लगता है या बाजार को अपना परिवार देखता है, तो वहाँ हमारी सोच पूरी तरह कैलकुलेटिव हो जाती है और वो हमारे घोर संवेदनहीनता का कारण बनता है। जहाँ संवेदनहीनता बढ़ती है, वहाँ ऐसे उदात्त जीवन मूल्य सूख जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। नतीजा हम सबके सामने है। आज लोग व्यक्ति को व्यक्ति की तरह नहीं, वस्तु की तरह प्रयोग में लेने लगे हैं और यूज एंड थ्रो जैसा जो कंसेप्ट है बहुत तेज़ी से हावी होने लगा है। हालांकि अंततः लोग ये मानते हैं और मानने को बाध्य होंगे कि अपना ही अपना होता है, इसलिए अपनत्व को सदैव साथ लेकर के चलना चाहिए और अपनी उसी पुरानी अवधारणा को फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करनी चाहिए, जिससे हम शांति, सुकून, आनंद और प्रसन्नता का जीवन जी सकें। श्रीमती प्रियंका जी अतिथियन डीमापुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा जी छावड़ा कलकत्ता। नमोस्तु 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 महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि नमोकार महामंत्र को सीधा तो पढ़ते ही हैं, उल्टा भी पढ़ सकते हैं, बीच से भी शुरू कर सकते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल और सही है तो इसका क्या फल है महाराष्ट्री? ये नमोकार मंत्र को ये साथ ही करना, दूसरे मंत्र के साथ मत करना। नमोकार महामंत्र को महामंत्र कहा जाता है। उसकी वजह है कि इसके चार ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं जो दुनिया के किसी मंत्र में नहीं पाई जाती। सबसे पहली विशेषता, इस मंत्र में किसी व्यक्ति या देवता का आह्वान नहीं है। ये गुणवाची शब्द अर्हंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु व्यक्ति नहीं, अवस्था है। दूसरी विशेषता, इसमें किसी भी प्रकार का बीजाक्षर नहीं है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि कोई बीजाक्षर नहीं। तीसरी विशेषता, इसे सिद्ध नहीं करना पड़ता। ये अनादि सिद्ध मंत्र है और इसका केवल सांतिक और पौष्टिक कार्यों में ही प्रयोग होता है। यह मंत्र किसी का अहित नहीं कर सकता। तुम्हारा कोई अहित करे तुम्हारी रक्षा करेगा, पर यह सांतिक और पौष्टिक कर्म में ही प्रयुक्त होता है। और चौथी विशेषता, इसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है। संपूर्ण मंत्र आप किसी भी रूप में पढ़ सकते हैं, ये मंत्र है। नमो अरिहंतानम से लेकर नमो लोए सब सावनंतों का आइए, नमो लोए सब सावनम से नमो अरिहंतानम आइए, या बीच में आए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चार तीन दो एक, तीन एक दो चार पाँच, या पाँच चार दो एक तीन, कहीं चले जाइए, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस मंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये भी है कि संपूर्ण मंत्र को आप जपे तो अपना मंत्र है ही, मंत्र का एक पद जपे तो भी मंत्र है। केवल नमो अरिहंतानम भी बोल दे तो मंत्र है, केवल नमो सिद्धानम बोल दे तो मंत्र है। और इतना ही नहीं, इस मंत्र के एक अक्षर का भी स्मरण कर ले तो भी मंत्र है। अरिहंत का अ बोलने मात्र से मंत्र है, सिद्ध का सी बोलना भी मंत्र है, आचार्य का आ भी मंत्र है, उपाध्याय का उ भी मंत्र है और साधु का सा भी मंत्र है। ये केवल नमोकार के साथ है, दूसरे मंत्र के साथ ऐसा भूल करके भी मत करना, नहीं तो अनर्थ में पड़ जाओगे। किसी भी मंत्र में हेर फेर करोगे तो फेर में पड़ोगे, समझ गए? तो ये जो मंत्र है और इनमें भी यदि कोई परिवर्तन करना है तो पहले गुरुओं से परामर्श करके करना, ताकि किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना।
नमोस्तु महाराज। श्रीमती उषा जी छावड़ा कलकत्ता, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रूपाली जी आशीष जी पड़े गुणायतन ट्रस्टी। उपस्थित साधु परमेश्वर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, यूं तो भगवान के पांच कल्याणक हैं, लेकिन जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक दो ही हमारे बीच में मनाए जाते हैं। उसमें भी मुझे दुख इस बात का है कि जो सामने हमारे मंदिर में मौजूद हैं उन्हीं भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है, लड्डू चढ़ाया जाता है, बाकी को गौण कर दिया जाता है। निर्वाणक तो 24 होते हैं 24 के, और जन्म कल्याणक भी 24 होते हैं 24 के। सिर्फ आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान का ही जन्म जयंती मनाया जाता है, जबकि हम अपने परिवार में किसी भी सदस्य को अवॉइड नहीं करते, तो हम भगवान के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? मुझे इस बात का बहुत दुख है और आँखों में मेरे आंसू छलक जाते हैं। मैं क्या करूं और कैसे जन्मदिन मना जन्म कल्याणक बना जाए, ये मुझे आप मार्गदर्शन दें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन बहन जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये बहन जी हर भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन कोलकाता से लाडू लेकर आती है। कल भगवान ऋषभ देव का निर्वाण कल्याणक है और उसके लिए पूरी तैयारी से आई। ये भी एक भावना है और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो बात कही कि हमें 24 भगवान के सभी कल्याणक मनाने चाहिए, उत्तम तो यही है, मनाना भी चाहिए और मनाना ही चाहिए। बहुत सारे लोग मनाते भी हैं, वो अपनी पूजा भी करते हैं। अब रहा कि इतने उत्साह से नहीं मनाते तो क्या करें, चूँकि 24 है और उनके पांच पांच कल्याणक ले तो 120 होते। तो अब जैनी लोग हैं बनिया, वो दिमाग लगा लिए, बोले क्या करो, अब 24 के चक्कर में इतना समय नहीं, सुविधा नहीं, उत्साह नहीं, माहौल नहीं, तो एक आदि को पकड़ो एक अंत को पकड़ो। तो आदिनाथ को पकड़ लिया और महावीर भगवान को पकड़ लिया, आदिनाथ का निर्वाण मना लेते हैं और महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मना लेते हैं। तो वो लोग अच्छे से मना लेते हैं, पर सबको मनाए अति उत्तम है। पर यदि सबको पूरी तरह से न भी मना पाए तो ऋषभदेव और महावीर स्वामी के तो जन्म और निर्वाण को अच्छे से मनाना ही चाहिए, ताकि आम जनों को पता लग सके जैन परंपरा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ और भगवान माँ ऋषभदेव से महावीर तक की परंपरा क्या है। एक में भी हम सबको मना सकते हैं, इसलिए मनाना चाहिए। कल भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महोत्सव है, मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा खूब उत्साह के साथ भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कल्याणक मनाएं और लोगों को भगवान ऋषभदेव और उनकी शिक्षाओं से अवगत भी कराएं। नमस्ते महाराज। श्रीमती रूपाली जी आशीष जी पढ़े गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद अगले प्रश्न के लिए श्रीमान नितिन जी प्रियंका जी जियागंज। नमस्ते गुरुवर, पुणे से शाह जैन फैमिली से त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है, अगर हमारे सौभाग्य से हमारे मरते समय हम जागृत अवस्था में है तो हमें नमोकार मंत्र जप करना चाहिए या आत्मा का ध्यान करना चाहिए या सोहम सोहम बोलना चाहिए? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और ये भाव हर आत्महितेच्छु के हृदय में होता है, रहना चाहिए। जीवन में कब किसके साथ कैसा प्रसंग बन जाए कोई पता नहीं, इसलिए जब तक होश है भेद विज्ञान का स्मरण होना चाहिए और पंच परमेष्ठी का ध्यान चिंतन मनन होना चाहिए। अंत समय में जब शरीर की स्थिति बहुत क्षीण हो जाती, उस समय न ज़्यादा बोला जा सकता है न सुना जा सकता है, तो मन पर ज़्यादा दबाव न पड़े ऐसे कार्यों से काम करना चाहिए। भेद विज्ञान को स्मरण रखते हुए सोहम सोहम भी, अरहंत सिद्ध भी, नमोकार मंत्र भी, कुल मिलाकर सम्यक दर्शन के पूरक माध्यमों को साथ लेकर चलना चाहिए। सब जीवों से क्षमा मांगते हुए, सबको क्षमा करते हुए, मैं देह से भिन्न चेतन आत्मा हूँ, वही शुद्ध आत्म तत्व मेरा स्वरूप है, इस बात की प्रतीति और बहिरंग में देव सास गुरु पंच परमेष्ठी ही मेरे शरण है। पूरा न बोल पाए अरहंत सिद्ध भी बोल दे तो काम हो सकता है,
और सोहम भी यदि जागरूकता के साथ व्यक्ति बोलते हैं तो उसका सुनिश्चित उद्धार। श्रीमान नितिन जी, प्रियंका जी जियागंज, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी अनुपम जी मलेशिया। महाराज जी के चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि कई बार मार्केट से डायरेक्ट मंदिर जाने के भाव होता है, पर मन में ये विकल्प रहता है कि कपड़े शुद्ध नहीं हैं, मंदिर जाने से दोष लगेगा, तो गुरुदेव उस समय भाव की शुद्धता ही ज़्यादा अच्छी है कि कपड़ों की? देखिए, मंदिर जाते समय हम मंदिर जाएं, मंदिर जाते समय मार्केट ना जाएं, लेकिन मार्केट में जाते समय मंदिर जाने का भाव आ जाए तो मंदिर जरूर जाए। मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझिए। मैंने क्या कहा, मंदिर जाते समय केवल मंदिर जाएं, मार्केट ना जाएं। यानी जब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं तो हमारी प्राथमिकता मंदिर की होनी चाहिए, हम मंदिर के लिए ही जा रहे हैं। अरे चलो मंदिर जा रहे हैं, मार्केट भी कराएंगे, वो ठीक नहीं। लेकिन किसी काम से आप मार्केट में गए हैं और आपको लग रहा है कि मंदिर है तो हमें जाना चाहिए। सवाल शुद्धता का है, तो यदि ऐसा लगता है कि हमारी व्यवस्था जी पूरी तरह शुद्ध नहीं है तो हम गर्भगृह में न जाएं। गर्भगृह में तो ऐसे भी केवल शुद्ध वस्त्र पहन कर जाना चाहिए। तो बाहर से हम भगवान के दर्शन आराधन तो कर ही सकते हैं, जरूर करना चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी श्री अनुपम जी मलेशिया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जी शाडम। मंच पर विराजमान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के परम प्रभावी शिष्य मुनिराज श्री भावलिंगी मुनिराज श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में एवं मंच पर विराजमान समस्त मुनिराजों के चरणों में अनंत अनंत वार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, 2022 में जो दिवाली थी उस दिन एक चमत्कार हुआ था, जब मलेशिया वासी जो भी जैन समाज है, हम लोग 10 फैमिली हैं तकरीबन, और हम लोगों की तपस्या और 2 साल से भावना भा रहे थे, और आशीर्वाद रूप में दिवाली के दिन नए चैत्यालय के शुभारंभ के लिए आपने आशीर्वाद दे दिया था। अब दूसरा चमत्कार ये हो रहा है कि भगवान जी विजय भैया के सानिध्य में हम लोग भगवान जी को कल यहाँ से विहार करके और परसों मलेशिया पहुँचेंगे, और 22 और 23 तारीख का प्रोग्राम है। 23 तारीख को भगवान जी अस्थाई वेदी पर थोड़े समय के लिए स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे। हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए, आगे मार्गदर्शन भी चाहिए कि महाराज जी अभी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं महाराज जी कि सब चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं, लोग सामने आते जा रहे हैं, चीज़ें घटित होती जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस हम तो बस जैसे नदी के फ्लो में बस देख रहे हैं और बस आनंद लूट रहे हैं पूरा। बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, वर्तमान का जो दौर है वो पूरी तरह डिजिटल दौर है। अब दुनिया मुट्ठी में आ गई जी। कहावत कि दिल्ली दूर है, अब दिल्ली दूर नहीं है, अब कुछ भी दूर नहीं बचा। तो सब तरह के लोग आज जा रहे हैं, देश देशांतरों में बस रहे हैं काम के सिलसिले में, तो वहाँ उनके धर्म ध्यान के लिए देव गुरु धर्म का आलम्बन तो मिलना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग भले यहाँ से गए पर अपनी आस्था को साथ लेकर के गए, और सब जगह आप धीरे धीरे देव दर्शन की सुलभता होने लगी। सिंगापुर में तो है ही जी, मलेशिया में भी 2017 में हमने ही एक प्रतिष्ठा करके दी जी। अब बहुत अच्छी बात है, मलेशिया के दूसरे क्षेत्र में आप लोगों ने भगवान विराजमान करने का सौभाग्य जगाया है जी। ये बहुत अच्छा कार्य है। ब्रह्मचारी विजय भाई जी आप लोगों की पूरे विधि विधान के साथ वो व्यवस्था संपन्न करेंगे ही। अच्छे से करिए, उत्साह के साथ कीजिए, इसका बड़ा लाभ होगा। इससे न केवल आप लोगों को धर्म ध्यान करने का अवसर मिलेगा, अपितु चैत्यालय हो जाने से माँ बाप की वरदानी छाया भी मिलते रहेगी जी। महाराज, प्रायः बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के पास इसलिए नहीं जा पाते कि वहाँ उनके व्रत नियम संयम नहीं पल पाते। ये सुविधाएँ जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ
बच्चों को ये बड़ा लाभ मिल रहा है, माँ बाप की छाया मिल रही है और पोते पोतियों को अपने दादा दादी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये हमारा परिवार पूरा बन सकेगा और धर्म परंपरा और संस्कृति आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है। इन दिनों मलेशिया और आपके सिंगापुर में है ही, बैंकॉक में पहले से ही है, पूरा जिनाले है, ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ, सिडनी और अन्य स्थानों में भी, मेलबर्न में भी लोग तैयारी कर रहे हैं और अन्य स्थानों में भी 15 दिन पहले ही जर्मनी के लोग भी इसके लिए प्रयासरत हैं। तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ विस्तार हो रहा है, अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में तो पहले से ही है, तो ये विस्तार होना चाहिए। हाँ, ये तो विस्तार होना ही है। ब्रह्मचारी विजय भाई बोल रहे हैं कि लंदन में तो शिखरबंद मंदिर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, मैं भावना भावता हूँ जल्दी बने, तो लोग जाए और वहाँ अपने धर्म ध्यान के साधन को स्थापित करें, संचालित करें और एकजुटता के साथ जुड़े। अब बाकी सोचने की जरूरत नहीं, भगवान विराज लो, बाकी काम तो अपने आप होगा, तुम तो केवल निमित्त हो। जी नमस्ते महाराज। महाराज एक चीज़ और पूछनी सब लोगों से, मतलब पूछवाई थी मलेशिया समाज ने कि हम लोग आगे आत्मकल्याण के मार्ग में और कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए या और क्या करें? बस पहले तो भगवान को विराज रहो, सेवा पूजा करते रहो, समय समय पर बाकी अपने आप निर्देश और रास्ता मिलेगा। नमस्ते महाराज। एक चीज कि ये एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री के में उसकी राजधानी कुआलालंपुर है, वहाँ पे महाराज जी के आशीर्वाद से ये नया चैत्यालय बन रहा है। नमस्ते महाराज। नंबर दे दो। हाँ, इसकी जानकारी प्रमाणिक में उपलब्ध हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी महाराज जी, देखे जाए प्रमाणिक ऐप में इसका डिटेल उपलब्ध हो जाए, ये व्यवस्था कर दीजिए मलेशिया सिंगापुर और अन्य स्थानों के भी, ताकि उधर जाने वाले लोगों को सहूलियत। और महाराज जी एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इस मंच से कोई प्रतिमाधारी व्यक्ति प्रतिमाधारी जो भी आना चाहे, हम लोग बारिश का जल इकट्ठा करते हैं, आप बिल्कुल आइए, सोलह की पूरी व्यवस्था बन जाएगी, हम लोग घर पे आपकी पूरी व्यवस्था कर देंगे। और अभी भी इसमें 2 प्रतिमाधारी व्यक्ति विवेक भैया उनकी मम्मी आ रही हैं, उनकी सारी व्यवस्था है, बेंगलोर से ताराचंद जी वो भी सोलह का सब व्यवस्था है, सारी हम लोग कर रहे हैं महाराज जी। बहुत बहुत बढ़िया। देखो भारत में 16 वाले आए तो तुम्हारे हाथ पांव ढीले होते हैं और इनको देखो मलेशिया में सीना ठोक करके आपको बुला रहे हैं, बहुत बढ़िया, खुले हृदय से बुला रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। नमस्ते। श्रीमती अनीता जी शरणम, उसके बाद मैं आवाज़ दूंगा ब्रह्मचारी भैया विजय जी लखनादौन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 3 महीने से साधु सेवा की, कल मुझे वापस जाना है। एक तरफ तो मन नहीं करता जाने का कि रुक जाओ, दूसरी तरफ परिवार है, ऐसी दुविधा में क्या करूँ, परिवार और धर्म को कैसे तालमेल बिठाऊं, कृपा शंका का समाधान। आप तो बंगाल के बाजू में हो ना, जाओ मत, कहो आ रही हूँ। महाराज जी 5 दिन के लिए आई थी। बंगाल में एक बहुत अच्छी परंपरा है, वहाँ कोई व्यक्ति कहीं से जाने वाला होता है तो नहीं कहता मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। आश्चर्य, हम आते हैं, समझ गए? तो आप जो कह रही ना मैं जा रही हूँ या मुझे जाना पड़ रहा है, इस वाक्यों को बदल दो, महाराज से आशीर्वाद दो मैं जल्दी आती हूँ। तो जब आने की लगन लगी रहेगी तो व्यवस्था बनी रहेगी। बहुत बहुत भैया विजय जी लखनादौन, उसके बाद बहन नंदिनी दीदी पथरिया और बहन रश्मि दीदी कोतमा। ओम जी। शंकाओं के समुद्र में बह रही असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन, मंचासीन सभी संतों के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करते हुए एक जिज्ञासा रख रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से अनेक स्थानों पर जिनालयों की वंदना के लिए लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जिनालयों का निर्माण कर रहे हैं, बहुत लोग ये प्रेरणा ले रहे हैं कि हमें भी अपने स्थान पर जनालय बनाना चाहिए। महाराज श्री ऐसा कुछ चमत्कार हो मन है कि जितने जितने देश हैं विश्व के हर स्थान पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो, कम से कम जहां जहां जैन लोग रह रहे हैं उन्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो सके, ऐसा आशीर्वाद दो। और आपके कर कमलों से प्रतिष्ठित प्रतिमा जहां जहां पहुंची है, ये चमत्कार हमने देखा महाराज जी, एक नहीं कई कई स्थानों पर आयाम बन गए हैं दर्शन के, लंदन वासी तरस रहे हैं आपके आशीर्वाद से पुनः एक प्रतिमा वहां पर पहुंचे जो 24 के रूप में परिवर्तित होकर के
24 निर्वाण का उन्होंने मन बना लिया है, उनके लिए आशीर्वाद चाहूंगा। महाराज श्री कल भगवान जी को लेकर के जा रहे हैं, उसके लिए मुझे क्या सावधानी रखनी होगी जिससे कि कोई असाधना ना हो? भगवान को यहाँ से ले जा रहे हो, चल जिन प्रतिमा है, प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान को जहाँ तक विहार कराने के लिए जो यहाँ सावधानी रखते हैं वो सारी सावधानी आपको वहाँ से ले जाना है। पूरी यात्रा दिन की हो, रात्रि में भगवान का विहार न हो। शायद आपने अपना शेड्यूल भी वैसे ही तय किया है, और विनय पूर्वक ले जाना। लगेज में भगवान नहीं रहेंगे, मस्तक पर भगवान को लेकर के जाएंगे, ऐसा भाव रखो। हम नीचे नहीं रखेंगे, सीट पर नहीं रखेंगे, कम से कम अपने नाभि से ऊपर रख करके चले। ये सावधानी रखना और जितना विनय और बहुमान कर सके करने की कोशिश। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। बहन नंदिनी दीदी पथरिया और बहन रश्मि दीदी कोतमा। मंचाजीन सभी महाराजियों के पावन चरणों में नमोस्तु, एलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, समोह शरण में मान स्तंभ में जो प्रतिमाएं होती हैं वो अरिहंत भगवान की होती हैं या फिर तीर्थंकर की होती हैं, और समोसरण विलीन होने के कोई बाद वह प्रतिमाएं कहाँ जाती हैं? देखिए, समोसरण में जो भी चीज़ें लगती है वो दिव्य चीज़ें होती हैं, और दिव्य वस्तुएं स्वर्ग की दिव्य निधियों के रूप में होती हो, जहाँ से आती वहीं चले जाती। और रहा भगवान की प्रतिमाओं का, तो समोसरण में रहने वाली जो प्रतिमा है वो अरिहंत प्रतिमा का उल्लेख होता है, उसमें तीर्थंकर प्रतिमा का ऐसा कोई उल्लेख देखने को नहीं मिला, वो अरहत प्रतिमा होती। नमोस्तु। मंच में आसीन सभी मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज छोटे भाई का जन्मदिन है महाराज श्री जी, उसका भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, हमने पढ़ा है एक जगह कि हमने अपने आप को नहीं अपनी आदतों को बदला है, इसलिए मैं नहीं मेरा जीवन बदला है। तो हम अपनी आदतों को कैसे बदलें, क्योंकि आदत बदलना बहुत मुश्किल है। कल आपने स्वभाव को बदलने की बात की, आज आदत को बदलने की बात की। सवाल बहुत अच्छा है। हैबिट बड़ी विचित्र है। हैबिट में से एच निकाल दोगे तो हैबिट बचेगा, हैबिट में से ए निकाल दोगे तो बिट रहेगा, और बिट में से बी निकाल दोगे तो इट तो रहेगा। आदत है जो एक बार पड़ जाती है वो मनुष्य को बुरी तरह जकड़ लेती। व्यक्ति अपने आदतों का गुलाम बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने आदतों में नियंत्रण न ला सकें, अपनी आदतों में अंकुश न रख सकें। संक्षेप में मैं चार बातें कहूँगा जो हमें हमारे आदतों के प्रति आदतों से बचाएगा। सबसे पहली बात है संकल्प। मुझे मेरी जो आदत है उस आदत को बदलना है तो उसके लिए ठानना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का, वो लत के रूप में हो, प्रवृत्ति के रूप में हो, वो जीवन शैली का हिस्सा बन जाए, तो पहले आप अपने मन मस्तिष्क में एक दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे मेरी इस आदत में परिवर्तन लाना है। संकल्प बहुत बड़ी ताकत देता है। ठान लो, चाहे जो हो जाए अब मुझे नहीं करना तो नहीं करना। दूसरी बात, मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, अनेक प्रवचन मैंने इस विषय में दिए हैं। दूसरी बात सजगता। हम जिस आदत से बचना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्राण प्रण से संकल्पित हैं, उस संकल्प के प्रति सजग रहें। जागरूकता, जैसे ही मेरे साथ ऐसी आदत की बात आए अपने मन को सजग करो कि नहीं, ये कार्य तो मुझे करना ही नहीं, ये प्रवृत्ति तो मुझे करना ही नहीं, ये तो मेरे लिए अनर्थकर है। अगर कहीं कुछ हो रही है तो सावधान रहो, सजग होना। अपने ऐसे भी मनुष्य को अपने आदत और व्यवहार के प्रति सजग रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति सजग रहता है उस व्यक्ति को कोई बुरी आदत नहीं लगती। एक आदमी, बड़ी पुरानी बात है, वो घोड़ियों पर चूड़ियाँ बेचता था गांव गांव घूमकर, और घोड़ी पर चूड़ी लेके जा रहा है तो बोलता, बहन जी चलो, भाभी जी चलो,
माता जी चलो, अब घोड़ी को हाँकने के लिए बहन जी, कभी भाभी जी, कभी माता जी। तो एक युवक को बड़ा अटपटा लगा, तेरी घोड़ी बहन जी, भाभी जी, माता जी कैसे बन गई? बोले भाई साहब आपको नहीं मालूम, मेरा धंधा ऐसा है कि मुझे बहन जी, भाभी जी और माता जी को ही चूड़ियाँ पहनानी पड़ती है, तो मेरे मुख से हमेशा बहन जी, भाभी जी, माता जी निकलती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मुख से और कुछ ना निकले, इसलिए मैं घोड़ी को भी बहन जी, भाभी जी, माता जी कहता हूँ। यह है जागरूकता, सजग होना बहुत जरूरी है। जिन आदतों से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं उसके प्रति संकल्पित हों, संकल्प दृढ़ हो, लचीला ना हो, उसके प्रति जागरूक हों, पूर्णतः सजगता होनी चाहिए। तीसरी बात, संकल्प की पूर्ति के में सक्रियता। हम अपने संकल्प को कैसे पूरा करें वो सक्रियता होनी चाहिए, और कहीं कुछ हो जाए तो अपने आप को दंडित करो। हमारा संकल्प शिथिल हुआ, जागरूक होकर के देख रहे हैं शिथिल हुआ, अपने आप को दंडित करो। दंडित करने से व्यक्ति अपने आदतों में बड़ा बदलाव लाता है। मैं कोलकाता में था एक दिन, मैंने अपशब्दों से बचने का एक फार्मूला दिया कि एक नियम ले लो एक सप्ताह के लिए। बोले क्या? बोले जितनी देर बार मुंह से अपशब्द निकलेंगे मंदिर में उतनी बार 100 रुपया पेनाल्टी डालेंगे गुल्लक में। सुनने को तो बहुत लोग सुनते हैं। एक सज्जन ने सुना, उन्होंने बोला महाराज जी 3800 रुपये में हम बच गए, एक बुराई से बच गए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी आपने बोला, मैंने फॉलो किया, पहले दिन 1300 रुपया लगे, 13 बार डाले, और घटते बढ़ते महाराज 7 दिन हुए, कल का दिन बीता, एक भी बार हमने नहीं बोला, कोई अपशब्द मेरे मुंह से नहीं निकला, नहीं तो महाराज ये तो मेरा तकिया कलाम बचा था। हमने हिसाब लगाया, टोटल 3800 रुपये लगे। हम बोले 3800 में एक बुराई चले गई तो बहुत बढ़िया है, सस्ता इलाज है, बस जागरूक रहना। तो ऐसी जागरूकता के साथ व्यक्ति अपनी बुराइयों के संशोधनों के प्रति सक्रिय बना रहे। हम लोग क्या करते हैं, उनको स्वीकार लेते हैं, अरे चलता अब ये तो हमारी आदत ही है, अब चलेगा, अब इससे हम बच नहीं सकते। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आदतों को अंदर से स्वीकार लेता है, उसके प्रति संशोधन के प्रति जागरूक और तत्पर नहीं होता, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और चौथी बात है आत्म सुझाव। आप अपने मन में कुछ सुझाव दीजिए, ऐसी कोडिंग कीजिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, ये नहीं क्या करना है, उस बात को आप अपने मन में दोहराइए। जैसे किसी के मुख से अपशब्द बोलने की आदत है तो ये ना सुझाव दे कि मुझे अपशब्द नहीं बोलना, मुझे मीठा बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सार्थक बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सार्थक बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सार्थक बोलना है। किसी की आदत है नशा करने की, तो ये ना कहे कि मुझे नशा नहीं करना, उसे ये कहना चाहिए मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है। नियमित ये सुझाव अगर शताधिक बार अपने मन को दे तो व्यक्ति कभी उस तरफ देखेगा भी नहीं, और वह उसके जीवन के व्यापक बदलाव का आधार बनेगा। और चलते हैं बिना किसी भूमिका के मंच पर विराजित संतों की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और प्रथम प्रश्न के लिए निवेदन करूंगा एक शामी सहित एलक श्री निजानंद सागर जी से। पहले न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता था पते की बात, एक व्यक्ति ने पढ़ा कि अपना पता होना ही सबसे बड़ी बात है। सबसे पते की बात क्या है? अपना पता होना ही पते की बात है। अपनी तलाश होना ही सबसे अच्छी बात है। जिसके जीवन में अपनी तलाश नहीं की उसका जीवन एक महज लाश बन के रह जाता है। तो उसने स्वयं की खोज प्रारंभ की लेकिन सफलता नहीं मिलती, बहुत परेशान हो गया। तो उसके मित्र ने सलाह दी कि अपने आश्रम में एक पहुंचे हुए संत आए हैं, उनसे मार्गदर्शन लो, आपको सफलता मिल सकती है। पहुंचा
तो कुटिया के गेट बंद थे, तो दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन हो। तो वह व्यक्ति कहता, मैं यही जानने को आया हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने संसार में सबसे बड़ी बात कर ली जिसमें अपने आप से मुलाकात कर ली है। धन्य है ऐसे मुनिराज जिन्होंने अपनी आत्मा को तलाशा ही नहीं, तराशा भी है, अपने चेतन रत्न को तराशने में दिन रात लगे हैं। ऐसे मुनिराजों को नमोस्तु कह के मैं यही पूछना चाहता हूँ कि महाराज एक सवाल है। परमानंद स्तोत्र में कहा है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता च धमा धमा। आत्मा की चिंता करना सबसे उत्तम काम है। तो मैं अपनी आत्मा को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसे जाने, आगम प्रमाण से कैसे जाने, अनुमान से स्वानुभव प्रत्यक्ष कैसे जाने, मुनि श्री से मार्गदर्शन। चार हो गए। आत्मा को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसे जाने, आगम प्रमाण से कैसे जाने, स्वानुभव से कैसे जाने, और क्या पूछा, अनुमान से कैसे जाने। देखिए, द्रव छेद काल भाव से आत्मा को जानने के लिए कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करना है, और आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए विचार करना है कि ये शरीर यदि बिखर जाता है तो क्या शेष बचता है। जो बच रहा है वही मैं हूँ। जब हम आगम प्रमाण से बात करते हैं तो आगम बताता है कि मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन आत्मा हूँ। जब अनुभव से बात करते हैं तो हर पल जो हमें सुख दुख का संवेदन हो रहा है वह संवेदक मैं हूँ। और अनुमान से जब बात करते हैं तो अनुमान बड़ा स्पष्ट दिखता है कि एक जीवित प्राणी में सारी क्रियाएं दिखती है लेकिन एक मृत आत्मा में कुछ भी नहीं दिखता। तो वह मृतक क्यों निष्क्रिय है, इसीलिए क्योंकि उसका प्राण तत्व नहीं है। ये सब चीज़ें अपने आप घटित होती है यदि व्यक्ति सतत अभ्यास करे, और उस अभ्यास में ज़्यादा कुछ करना की जरूरत नहीं है। हर पल एक ही भावना भाए, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम चैतन्योहम सोहम। ऐसे सूत्रों को अगर हम नियमित अभ्यास में ले तो ये बातें बहुत सहजता से घटित हो सकती। और आइए अगले प्रश्न में निवेदन है नमोस्तु सहित मुनि श्री शीतल सर जी महाराज जी से। पहले चलिए मुनि श्री ज्ञान भूषण जी महाराज के श्री चरण में नमन करते हुए संघ के लिए निवेदन। इसके बाद नमस्तु महाराज जी। नमस्ते। ये जिज्ञासा महाराज जी, मैंने पहले परिक्रमा के दिन आपको बीच में रसने पूछा था, वो बहुत भीड़ होने से हमको पूर्ण हमको उत्तर नहीं मिला था। मोक्ष मार्ग, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिगंबरत्व का जरूरत क्यों है, और दिगंबरत्व संवर और निर्जर के लिए कैसे कारण बनता है। बहुत अच्छा सवाल किया है। मोक्ष मार्ग के लिए दिगंबरत्व की आवश्यकता क्यों है, और ये दिगंबरत्व संवर और निर्जरा का कारण किस प्रकार है। देखिए समझिए, मोक्ष बंधन से मुक्ति का नाम है। बंधन से मुक्ति के लिए हमें सबसे पहले बंधन के कारणों से बचना होगा। जब तक हम बंधन के कारणों से नहीं बचेंगे मुक्ति कैसे होगी। और हमारे बंधन का मूल कारण क्या है, राग द्वेष मोह रूप विकार। जब तक राग द्वेष मोह रूप विकार होगा बंधन बंधेगा, और जब तक बंधन है तब तक मुक्ति असंभव है। तो बंधन को तोड़ने के लिए राग द्वेष मोह रूप विकार को नष्ट करना जरूरी है। और राग द्वेष मोह रूप विकार अगर है तभी तक वस्त्रादि का आलम्बन है। वस्त्रादि का आलम्बन यदि हम लेते हैं तो नियमतः राग द्वेष मोह के विकार से प्रेरित होकर लेते हैं। तो हम इस बात को अच्छे तरीके से समझें कि राग द्वेष मोह रूप विकार हमारे मन में है, इसलिए ही वस्त्रादिक रखें। तो ये सिंबल है वस्त्रादिक, राग द्वेष मोह के विकार होने के। इन्हें हम जब सुधार ले तब कहीं जाकर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक कहते हैं ना, चाह लंगोटी की दुख वाले, फाँक तनिक सी तन सोख साले।
तो एक छोटा सा वस्त्र का भी टुकड़ा हो, यदि उसके प्रति हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है, तो वो हमारे संसार के वर्धन का कारण होगा, हिंसा का भी कारण होगा। और जब हम दिगंबर हो जाते हैं तो राग द्वेष मोह के बहुत सारे निमित्त समाप्त हो जाते हैं, और जब राग द्वेष मोह के निमित्त समाप्त होते हैं, हिंसा भी छूटती है, तो संवर भी होता है, और परिणामों की क्षमता के कारण निर्जरा भी होती है। लेकिन ये केवल कपड़े उतारने से नहीं, तन के कपड़ों के साथ साथ मन का भी उतरना चाहिए। और अगली शंकर के लिए निवेदन नमोस्तु सहित मुनिश्री आर्य नंदी परंपरा के मुनिश्री श्वात नंदी महाराज जी से। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान, सूर्य की ऊर्जा सब प्राणी मात्र ग्रहण करते हैं, वनस्पति ग्रहण करते हैं, और वो ऊर्जा से अपना जीवन व्यतीत हो जाता है। जब ऊर्जा पदार्थ कभी नष्ट होता नहीं है, ऐसा सुना है। जब प्राणी मात्रा मर जाती है या वनस्पति मर जाती है तो ऊर्जा कहाँ जाती है, और सूर्य पर वापस जाती है तो कब जाती है या नहीं जाती है, इस ऊर्जा का क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज जी। से थोड़ी देर की चर्चा से अनुभव हुआ, ये अच्छे स्वाध्यायशील हैं और थोड़ी वैज्ञानिक सोच रखने वाले महाराज। यहाँ आने से पूर्व थोड़ी देर मेरे पास बैठे, और इस उम्र में भी इस तरह का भाव रखना निश्चित अभिनंदनीय है। और आपने जो सवाल किया, मैं समझता हूँ इसका उत्तर भी आपके ही पास है। हमें पता है कि मूलभूत तत्व कहीं विनष्ट नहीं होते, ऊर्जा का अंतिम रूप कार्बन के रूप में होता है, और कार्बन कभी नष्ट नहीं होता, वो बना हुआ होता है। तो ऊर्जा रूपांतरित होती है, विनष्ट नहीं होती, उसका प्रवाह चलता रहता है। तो जहाँ से आती है उसका फॉर्म चेंज होता है, फिर दूसरे रूप में, फिर तीसरे रूप में ये चले आती है। हम अगर शास्त्रीय भाषा में बात करें तो इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में है कि हमारे यहाँ बहुत सारी वर्गनाएँ, वर्गनाएँ नष्ट नहीं होती। एक वर्गना अपने स्वरूप में लंबे समय तक बनी रहती है, पर कालांतर में वह एक वर्गना बदल कर दूसरे वर्गना के रूप में भी परिणत होते रहती है। ये द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है, लेकिन जो उसका पौद्गलिक स्वरूप है वह कभी नष्ट नहीं होता। तो हम अगर विज्ञान की भाषा में से कहें तो कार्बन तो कार्बन के रूप में बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तत्व है और मूल तत्व है। तो उस तत्व को जो एक ही रूप में माना गया, तो वो कभी अगर अदल बदल उसमें नहीं होता, तो उसे उस संदर्भ में समझा जा सकता। मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अगली शंका के लिए निवेदन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुनि श्री, प्रायकर मंदिरों में वेदी पर एक चित्र बना रहता है, जिसमें एक पात्र में एक तरफ गाय है, एक तरफ सिंह है, और सिंह के नीचे बछड़े का चित्र बना रहता है और गाय के नीचे सिंह का। तो इस चित्र को देखकर मुझे लगता है इसमें कुछ या तो त्रुटि है और लोग इसको ध्यान से देखते नहीं, और नहीं तो इसमें दूसरा मेरा विचार ये है कि ये इस पंचम काल का प्रतीक है। मेरा चिंतन सामयिक करते समय इस चित्र के सामने ये हुआ कि जैसे गाय का बछड़ा सिंह के नीचे है, सिंह की पहचान होती है कि उसके गले पे व्याल होते हैं, बाल होते हैं, केसरी सिंह है। तो जो सिंह होता है उसके स्तन नहीं होते, और उस जो बछड़ा है वो स्तन नहीं मिलने से डिसअपॉइंट हो जाएगा, उसको कुछ भोजन नहीं मिलेगा वहाँ। और दूसरा जो गाय के नीचे है वो छोटा शेर है, क्योंकि उसके गले पे भी बाल बने हुए हैं, तो वो गाय के स्तनों को नष्ट कर देगा क्योंकि वो मांसाहारी हो चुका। तो ये पंचम काल का प्रतीक है, मैं ऐसा मानता हूँ, जो ये चित्र बनाए जाते हैं कि जो सीधा साधा व्यक्ति है उसके साथ ऐसे ही होगा, धोखे में रहेगा, ऐसा है, या फिर चित्र को सुधारना ज़्यादा अच्छा है? देखिए महाराज ने बहुत ही गंभीर बात आज उपस्थित की, एक बहुत बड़ी त्रुटि जो एक लंबे अरसे से चलते आ रही है, कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
महाराज जी ने जो आज ये सवाल उठाया है, ये महाराज जी की सूक्ष्म और पारखी दृष्टि का परिचायक है। जो चिंतन महाराज जी ने प्रकट किया है वो एक दृष्टि से एक प्रकार की उत्प्रेक्षा है, हकीकत में वैसा कुछ नहीं है। मेरी राय में ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है जो शिल्पकारों के द्वारा गलती की गई और दूसरे ने देखा नहीं। इसमें गाय और सिंह को एक घाट में पानी पीते दिखाया जा सकता है, पर वहाँ गाय के बछड़े और सिंह के शावक को प्रकट करने का कोई औचित्य नहीं है। और यदि ऐसा है तो वहाँ शेरनी होनी चाहिए और गाय होनी चाहिए। और जो सिंह का शावक भी होता है उसके इतने बड़े बड़े बाल नहीं होते, वो तो बाद में होते हैं, इसलिए इसको नैसर्गिक रूप में देना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब जहाँ कहीं आप अंकन कराएं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो प्रतीक भी ठीक हो। लोगों को ये लगता है भाई अहिंसा की प्रभावना हम कर रहे हैं, पर अहिंसा की सही प्रभावना सही तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जैसा महाराज ने कहा सीधे साधे आदमी को कहीं भी चक्कर में फंसाया जा सकता है, तो वही हो जाएगा। और ये भी आप लोगों के वैसे ही चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से न देखने का नतीजा है। एक जगह मैंने देखा महाराज ऐसा चित्र तो है, एक स्थान पे था, मैं शायद राजस्थान में ही कहीं था, वहाँ शेर नहीं था, बाल वाले नहीं थे, तो बस शेरनी को बिठा दीजिए तो रख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर श्री निवेक शाह जी महाराज से नमोस्तु करते हुए निवेदन अंतिम शंका के लिए। शंका समाधान के सत्र में पत्रकार जी ने एक प्रश्न पूछा था, शायद ये पंक्तियाँ उसी के ओर कुछ समाधान करती हो तो महाराज जी से विशेष समाधान मिल जाएगा। किसी ने कहा है बुलंदियों की उड़ान में हो तो थोड़ा सब्र करना, बुलंदियों की उड़ान में हो थोड़ा सब्र करना, परिंदे बताते हैं आकाश में ठिकाने नहीं हुआ करते, आकाश में ठिकाने नहीं हुआ करते, जब कभी पक्षी का सुख मिलेगा तो नीचे ही आना पड़ेगा। इसलिए हम बुलंदियों कितनी उड़ान में उड़ जाएं, किंतु हमें कितना धैर्य रखना चाहिए कि उन बुलंदियों की उड़ान में उड़ने के बाद में हम अपने मूलभूत आधार तत्व को ना भूलें, इस विषय में पूज्य श्री का उद्बोधन सबके लिए प्रामाणिक हो ऐसी मंगलवान। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, परिंदे ये बताते हैं बुलंदियों की उड़ान में तुम थोड़ा सब्र करना, परिंदे ये बताते हैं कि आकाश में ठिकाने नहीं होते। आपकी इन पंक्तियों के उत्तर में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। यह जीवन जल है आसमान का नहीं मूढ़, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन है। यह जीवन जल है आसमान का नहीं मूढ़, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन है। तेरा इसे नभ में ही रोक रखने का प्रण तेरे विनाश का सबसे पहला कारण है। तू इसे किसी भी ऊंचाई पर करे कैद, बहने को तो पर जल नीचे ही आएगा। तू इसे किसी भी ऊंचाई पर करे कैद, बहने को तो पर जल नीचे ही आएगा। उतनी ही होगी उसकी तेज प्रहार, जितना ही ऊंचा उसे उठाया जाएगा। ये जीवन जल है आसमान का नहीं मूढ़, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन है। तेरा इसे नभ में ही रोक रखने का प्रण तेरे विनाश का सबसे पहला कारण है। तो बस इस सच्चाई को समझना चाहिए और एक दिन सबको खाक में बदलना है। महाराज ने बहुत सार्थक पंक्तियाँ कही है, बुलंदियों को छूने में तू थोड़ा सब्र रख, क्योंकि अरे परिंदे कहते हैं आसमान में ठिकाने नहीं होते, तो जहाँ ठिकाने हैं उसे पहचान लो और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाओ। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, निर्यापक मुनि प्रशांत सागर जी।